फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलग के पर। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे डॉक्टर रमन लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आई है। जो नोटिस है, अवध विश्वविद्यालय के कुलपति समेत 26 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो दोस्तों, इस खबर को पूरी से पहले पास में बेल आइकन का घंटी उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब इस खबर को हम पूरे पढ़ के बताते हैं क्या है। दोस्तों, ये खबर जो अयोध्या से निकल के आई है, डॉक्टर रमन मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति समेत रुदौली के 26 नए कोरोना मरीज मिले। प्रोफेसर एवं स्वयं को BHU वाराणसी के आवास पर अगले कुछ हफ्तों के लिए होम क्वारंटाइन ले लिया है। कुलपति ने बताया कि शनिवार सुबह संक्रमण के कुछ लक्षण दिखाई देने पर उन्होंने दोपहर में टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट रविवार को सुबह प्राप्त हुई, जिसमें कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि वैसे मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय परिसर के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कुलपति के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना की। तो दोस्तों, इस खबर में कहा गया है कि डॉक्टर रमन मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या के जो नए कुलपति बने थे, उन कोरोना संक्रमित हो गए हैं, पॉजिटिव पाया गया। तो सभी से, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि जल्दी स्वस्थ हो जाए तभी। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स लोग को लग रहा था कि हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा या प्रमोट हो जाएंगे, तो दोस्तों इस खबर को अभी तब तक के लिए वहाँ पर रोक दिया गया है। जब तक कुलपति जी मतलब कोरोना से ठीक नहीं होंगे, तब तक के लिए 15 सितंबर तक ले कुछ खबर नहीं आएगा। तो थैंक दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक दोस्तों।